अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शकील खान, यूट्यूब चैनल मोहम्मद शकील एमएसके मैं तमाम देखने वालों खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी दुआ है आप जहाँ भी हैं खुश रहें और अपना तलब अल्लाह ताला से जुड़े रखें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के कहने पर मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं बाल है प्लास्टिक की, जो वाली बाल में इस्तेमाल होती है। अच्छा, बहुत से बड़े जो प्लेयर होते हैं उनका अपना बाल होता है और उनका बड़ा फेवरेट बाल होता है। उनको पता होता है कि मेरे जो बाल है इसमें कितनी हवा होनी चाहिए स्मैच करने के लिए और कितनी हवा नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि बाल बड़ा डिपेंड करता है इस बात पर कि आप स्मैचर हैं और अगर आप गेम जितवाना चाहते हैं तो। मैं एक मरतबा फिर आप लोगों को कहना चाहूँगा कि वीडियो को आखिर तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर ये बाल पंचर हो जाए तो इस बाल को पंचर कैसे लगाते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप इस पर एल्फी लगा देते हैं और वो जो एल्फी लगा देते हैं आप बाल का जो चमड़ा आप कह सकते हैं ये जो इसका चमड़ा है ये ख़राब हो जाता है एल्फी लगाने की वजह से और जो पंचर होता है वो भी सही नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि इस बाल को सही तरह पंचर लगाने के लिए आप क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात तो याद रखें कि एल्फी कभी नहीं लगानी बाल पर अगर बाल पंचर हो जाए, क्योंकि एल्फी लगाएंगे तो बाल का जो चमड़ा है ख़राब हो जाएगा। तो क्या हम कर सकते हैं बाल का पंचर लगाने के लिए? आपके पास एक छुरी होनी चाहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक छुरी है और इस छुरी की जो नोक है ये इसी तरह पतली होनी चाहिए। ये छुरी की नोक आप देख रहे हैं ये पतली होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, मोटी नहीं होगी, मोटी नहीं होनी चाहिए, अगर मोटी होगी तो पंचर नहीं लगेगा। अच्छा, इस छुरी को आपने गर्म करना है, ये जितनी ज़्यादा गर्म होगी आप उतना आसानी से पंचर लगा सकते हैं। छुरी की याद रखें नोक पतली होनी चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ कि अगर ये गर्म होती है तो आपके पास अगर कहीं बाल पे मेरे पास अगर पंचर है तो उसको आप कैसे लगा सकते हैं? ये फ़र्ज़ किया ये मेरे पास जो छुरी है ये बहुत गर्म है तो क्या करेंगे कि ये मेरे पास बाल अगर जहाँ पंचर है तो गर्म छुरी मैंने यहाँ से ली और ये देखें मैं इसको ऐसा ऐसा ये ऐसे ऐसे करके ना बाल को ना पंचर वाली जगह पर, क्योंकि जब मैं इसको छुरी लगाऊंगा बाल को तो ये इधर रखनी नहीं है बल्कि इधर इधर ऐसा करना है लेकर आनी है जहाँ पंचर, ये बाल का पंचर है, ये मैंने गरम छुरी इस पर रख के ऐसे करनी है ऊपर ऐसे, अब फिर एक तरफ ये ऐसे करनी है, फिर दूसरी तरफ से ऐसे करनी है, फिर तीसरी तरफ से, फिर इस तरह चारों साइड से आप थोड़ा थोड़ा ये करेंगे। अगर आपकी ये जो छुरी है गर्म अगर आप यहाँ पर रख के आपने थोड़ी सी देर की तो ये बाल ख़राब हो जाएगी। देर नहीं करनी, क्या करना है कि गरम छुरी को आपने ऐसे जो ही बाल के ऊपर छुरी रखें तो आपने छुरी को आगे हरकत देनी है, आगे आगे की तरफ, ये जहाँ पंचर है उधर लेकर आना है, ये जहाँ का पंचर है बाल का तो ये छुरी गरम होगी तो मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा, फिर यहाँ जो इसका जो गरम चमड़ा जहाँ इकट्ठा हो जाएगा तो मैं फिर ऊपर ऐसे थोड़ी छुरी गरम ऐसे करके रख दूँगा और फिर ऐसे अगर करके आप देखेंगे जो बाल का जो पंचर होगा वो भी लग जाएगा और जो बाल का चमड़ा है वो भी ख़राब नहीं होगा। और ये जो जिस तरह आप छुरी के साथ पंचर लगाते हैं ये बाल दोबारा कभी भी पंचर नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। और मैं ये ऐसे नहीं कह रहा बल्कि एक ही बाल को मैंने 10-10 पंचर लगाए हुए हैं, एक बाल को मैंने 10-10 पंचर लगाए हुए हैं इस गर्म छुरी के साथ, गर्म चाकू के साथ। ठीक है, ये आप कब कर सकते हैं? गेम के दौरान ही आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आपके पास चाकू हो आप उस चाकू को गर्म करके, किसी के पास माचिस की डब्बी हो उसे गर्म करके आप उसी गेम के दौरान ही बाल को पंचर लगा सकते हैं अपने चाकू से, छुरी ना भी हो तो। ये पंचर लगाने का बड़ा आसान तरीका है अगर आपका अपना फेवरेट बाल है तो उसको। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी अच्छी सी वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।